तो द अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन इनहेल बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो भैया हमारी मैक्सिमम सांस लेने की औकात कितनी हुई, क्षमता कितनी हुई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड आवर लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। दम लगा के निकाल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल स्टेट है, अगर हम दम लगाते हैं तो ये हवा बाहर निकाल देते हैं, इसे हम बोल रहे हैं ईआरवी। और जुड़े रहिए इन्फिनिटी लर्न से, हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेके आएंगे जो आपके नीट के एग्जामिनेशन तक आपके साथ होगा और आपको बेहतर मार्क्स लाने में, आपका फ्यूचर बेहतर करने में आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। और इन्फिनिटी लर्न पे, और जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, 4 marks in 10 minutes, यानी यहां बिताया हुआ आपका 10 मिनट आपका 4 marks सिक्योर करेगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो डेफिनेटली आपको भी पता होगा कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। और आपके यहाँ नीट एग्जामिनेशन में हर बार इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, आए दिन जब भी आप PYQ सॉल्व करते होगे, देखते होगे, तो हर बार इस टॉपिक से सवाल जरूर पूछा गया है। तो व्हाट आर द लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, बहुत ही प्यार से समझेंगे, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे इन बातों को कि लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज होता क्या है। तो पहले तो लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का अगर हम जिक्र करें तो जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस नेम इज स्पायरोमीटर, यानी लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो हम मेजर करेंगे, यानी बेसिकली हम वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं और जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नेम होता है स्पायरोमीटर, एंड द टेक्निक इज नोन एज स्पायरोमेट्री। अब आपके बुक में जब देखेंगे आप NCERT में, तो आपके यहाँ बहुत सारे लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज दी हुई हैं, उन्हीं को कोरिलेट करके पढ़ना हमें। लाइक अगर हम पहला लंग वॉल्यूम या कैपेसिटी की बात करें, एंड दैट इज टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे नहीं, इस बात को समझेंगे, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, और फिर समराइज करेंगे इसको एक साथ सबको। द अमाउंट ऑफ एयर विच वी इनहेल आर एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी नॉर्मल सांस लेते समय जितना अमाउंट ऑफ एयर हम या तो अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। एंड द वैल्यू इज दैट, व्हाट वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, यानी एक बार नॉर्मल जब हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, ब्रेथ इन कर रहे हैं या ब्रेथ आउट कर रहे हैं, तो हम 500 ml एयर लेते हैं। लेकिन क्या ये सारा एयर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में एक मोटा मोटी डायग्राम बना के आपको समझाएं, तो ये हमारा जो पैलेट है, फिर हमारा ये नेजल पैसेज है, हमारा विंड पाइप है, फिर हमारे पास ट्रेकिया एराइज होता है, फिर ये लंग्स में चला जाता है। तो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन जो होता है हमारे यहाँ एल्वोलाई में होता है। तो एल्वोलाई तक जब एयर पहुंचती है तो एल्वोलाई तक के रास्ते को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, और जब एल्वोलाई में एयर पहुंच जाती है तो एल्वोलाई में ही चूंकि गैसियस एक्सचेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी जोन, मीन्स दिस इज कंडक्टिंग जोन एंड दिस इज रिस्पायरेटरी जोन। तो जो भी हम 500 ml एयर लेते हैं उसमें से जो एयर हम 500 ml इनहेल किए उसमें से 150 ml हमारे यहाँ कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है, और 150 ml जो हमारे कंडक्टिंग जोन में रह जाता है इसे हम बोलते हैं डेड स्पेस एयर, DSA, या एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर। और जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स एल्वोलाई में पहुँचता है और मौजूद रहता है हमारे यहाँ गैसियस एक्सचेंज के लिए उसे हम बोलते हैं एल्वोलर एयर, जिसका वैल्यू होता है 350 ml। तो टाइडल वॉल्यूम को भी हम दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डेड स्पेस एयर एंड एल्वोलर एयर। ये तो हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया, हम नॉर्मल ब्रीथ इन कर रहे हैं। लेकिन सपोज करिए कि हम नॉर्मल ब्रीथ इन ना करें, अभी हम नॉर्मली सांस ले ही रहे थे लेकिन अब हम फोर्सफुली सांस लेने लगे, तो द अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन इनहेल बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम,
टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली हम ले ही रहे होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बाद जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द वॉल्यूम बियॉन्ड द इंस्पायर्ड एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली इंस्पायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी कैन इंस्पायर फोर्सफुली बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम, एंड द अमाउंट ऑफ आई आर वी इज अप्रोक्सीमेटली गिवेन 2500 टू 3000 ml. मीन्स इसके बाद हम इससे ज्यादा हम अपने फेफड़ों में हवा भर नहीं सकते. नॉर्मल तो हम टाइडल वॉल्यूम ले रहे थे, बट बहुत ज्यादा अगर प्रेशर हमने लगा के लिया फोर्सफुली इनहेल किए एयर को, तो हम मैक्सिमम आई आर वी ले पाएंगे. तो भैया हमारी मैक्सिमम सांस लेने की औकात कितनी हुई, क्षमता कितनी हुई, इसी को तो हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसी को तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे. तो यहां पर कैपेसिटी भी नोट कर लें कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हम इसी को तो बोलते होंगे कि भैया हम नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम ले रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा अगर दम लगाया तो हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अंदर ले पाए, और यही तो हमारे इंस्पिरेशन की क्षमता हुई, एंड दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इज दैट क्लियर? क्लियर है. फिर दूसरा हमारे पास टर्म होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब समझते हैं भैया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है. जैसे नॉर्मली हमने बोला कि सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे हो, तो हम 500 ml ब्रेथ इन करते हैं या 500 ml ही ब्रेथ आउट करते हैं. लेकिन मान लीजिए नॉर्मल सांस लेने के बावजूद अगर हम फोर्सफुली सांस को बाहर निकालें, जस्ट लाइक दैट, तो द अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन एक्सहेल फोर्सफुली बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली बाहर आएगा, लेकिन अगर हम फोर्सफुली एक्सपेल करें एयर को बाहर की तरफ, तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड बाहर आएगा, एंड दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मीन्स अगर इफ वी एक्सपायर फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, एंड दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यानी अगर आप सोचिए तो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम निकाल भी लेते हैं बाहर आप, और बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम ईआरवी और निकाल देंगे. तो यही तो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हुई, यही तो हमारी क्षमता हुई, इतना ही तो एयर हम बाहर निकाल पाएंगे कितना हो फोर्स लगा लें, एंड दैट इज आवर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. मींस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगर हम वैल्यू जानना चाहें कि हमारे यहां एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, दैट इज 1000 ml टू 1100 ml. मींस अगर हम फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ें तो मैक्सिमम इतना अमाउंट ऑफ एयर क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं, इतना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? यस अनो? ठीक. तो हमें आईआरवी, ईआरवी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पता चल गई. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? अब हमारे पास दिया हुआ है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. क्या दिया हुआ है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. या पहले हम जान लेते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड आवर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल ब्रेथ आउट. अगर हम दम लगा के सांस को बाहर की तरफ छोड़ें, दम लगा के, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकाल दें, तो जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे फेफड़ों में रह जाएगा उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स
इनसाइड आवर लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे फेफड़ों में रह जाएगा, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इनसाइड आवर लंग्स बियॉन्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि 1200 ml तक होता है इसकी वैल्यू। ये तो हमने फोर्सफुली जब निकाला तब भी हमारे फेफड़ों में इतनी हवा रह जाती है, लेकिन जब हम नॉर्मल ब्रेथ इन और नॉर्मल ब्रेथ आउट कर रहे हैं, यहां तो हमने ERV भी बाहर निकाल दिया, लेकिन जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, यानी हम अभी का सोचें, जब हम इंटेंशनल ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं ना ब्रेथ आउट कर रहे हैं, इस दौरान हम टाइडल वॉल्यूम को ले रहे होंगे और टाइडल वॉल्यूम को निकाल रहे होंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमारे लंग्स के अंदर की वह एयर है जो हम चाहें भी तो नहीं बाहर निकाल पाए, ठीक है। तो हमारे यहां एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सिंपल सी बात वही है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रहता है, तो अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होंगे तो डेफिनेट सी बात है हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, फोर्सफुल भी करते तब भी, और नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा। अब दोनों को जब जोड़ लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही रिप्रेजेंट करेगी हमारे यहां किसको, हमारे यहां रिप्रेजेंट करेगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को। तो तीन कैपेसिटीज हम देख चुके, वॉल्यूम्स देख चुके, अब हमारे पास बचता है वाइटल कैपेसिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। वाइटल कैपेसिटी होती है भाई, वाइटल मतलब होता है जिंदा। ऑर्गन वाइटल है कि नहीं हम बात करते हैं, यानी अगर हम जिंदा हैं तो हम मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल या मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं। तो भैया टाइडल वॉल्यूम तो हम कर ही लेते, वाइटल कैपेसिटी निकाले तो ये तो नॉर्मली हम कर ही रहे थे, बहुत दम लगाएंगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अंदर ले लेंगे और बहुत दम लगाएंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकाल देंगे। यही तो वाइटल कैपेसिटी हो गई, यस। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। फिर हमारे पास आता है टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुआ, तो सिंपली अगर हम बोले तो लिविंग है हम वाइटल जो कैपेसिटी है हमारी टीएलसी में, अगर मान लीजिए टोटल लंग कैपेसिटी में हम बोले कि वाइटल कैपेसिटी, यानी नॉर्मली हम अगर दम लगा के सांस लें और दम लगा के सांस बाहर छोड़े, फिर भी हमारे फेफड़ों में कुछ हवा तो रहती ही रहती है, यानी टोटल कितना अमाउंट ऑफ एयर आ सकता है हमारे लंग्स में, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। इतने वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आपके बुक में मेंशनड है। अब आपको क्लियरली समझना हो तो एक ही डायग्राम इसके लिए काफी है, कैसे भैया, कौन सा एक डायग्राम जो बता रहे हो आप काफी है, कौन सा एक डायग्राम बना ले जिससे ये बात समझ में आ जाए पूरी तरीके से। तो मान लीजिए हम अपना एल्वोलाई बना लें नॉर्मल कंडीशन में, मान लीजिए हमने एक एल्वोलाई बनाया नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन की एक एल्वोलाई बनाई, हमने बोला कि अगर मान लीजिए फोर्सफुली अगर हम दम लगा के सांस बाहर निकालते तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हमारे पास आ जाती, तो हमारे पास एल्वोलाई का साइज क्या होता, छोटा हो जाता, और इस दौरान भी हमारे यहां एल्वोलाई में जो एयर रहती उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोल रहे होते। इज दैट क्लियर, हाँ या नहीं, हाँ एग्जैक्टली बोल रहे होते। नॉर्मली अगर हम दम लगा के सांस को बाहर निकालें, दम लगा के निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल स्टेट है, अगर हम दम लगाते हैं तो ये हवा बाहर निकाल देते हैं, इसे हम बोल रहे हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे यहां फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आता है,
लेकिन मान लीजिए अगर हम दम ना लगा रहे होते, यानी सब नॉर्मल कंडीशन, यानी ग्रीन सिग्नल है सब कुछ, तो हम टाइडल वॉल्यूम ही लेते हैं और टाइडल वॉल्यूम ही निकालते हैं, यानी यही अमाउंट ऑफ एयर हम लेते भी हैं और यही अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर निकालते भी हैं, इसे हमने बोल दिया टाइडल वॉल्यूम। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी नॉर्मल कंडीशन में हमारे फेफड़े इस पोजीशन में रहते हैं ग्रीन सिग्नल, जहां पे यहीं पे हम सांस लेते हैं तो इतना से यहां फूल जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर यहां पहुंच जाता है, नॉर्मल कंडीशन यही है। दम लगा के सांस छोड़ते हैं तो जहां यहां होना चाहिए वहां से यहां पहुंच जाता है, क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकल जाता है, लेकिन इस कंडीशन में हम हमेशा रखते हैं। अब मान लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन है, अब हवा भर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको फील नहीं हो रहा समस्या, लेकिन आप अचानक से खूब हवा भर लें तो ये हवा आपके एल्वोलाई तक ही तो जा रही है, तो एल्वोलाई में स्ट्रेचिंग होगी। तो जब हवा आप ज्यादा भर लेंगे, समझिएगा इस बात को, हवा आपने खूब भर ली, यानी मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, तो हमने कहा कि टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहे थे लेकिन दम लगा के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले लिया हमने। अब देखिए कितना ही बेहतरीन है, एक ही डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा। अब इसी टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को हम जोड़ते तो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पता चल जाती, क्योंकि मैक्सिमम हम इतना ही एयर तो इंस्पायर कर पाएंगे। इसी टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी को जोड़ते अगर हम तो हमारे यहां इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पड़ जाती, पता चल जाती कि भैया हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है। प्लस अगर हम टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी और आईआरवी को जोड़ लेते तो यहां तक का जो सिलसिला है हमें बताता कि भैया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। और इसी वाइटल कैपेसिटी में रिजिडुअल वॉल्यूम को हम ऐड कर देते तो हमें पता चल जाता कि भैया टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। एग्जैक्टली अगर इस डायग्राम को बहुत थॉरली पढ़िएगा तो आप एक डायग्राम में ही ये जो नौ डिफिनेशन दिए हुए आपके यहाँ, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी, ये सारे आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके का इस्तेमाल करिए, यूज करिए और जुड़े रहिए इन्फिनिटी लर्न से। हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेके आएंगे जो आपके नीट के एग्जामिनेशन तक आपके साथ होगा और आपको बेहतर मार्क्स लाने में, आपका फ्यूचर बेहतर करने में आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।